ये हमारा एडिशन का मेथड नंबर वन। हम बच्चों को एडिशन कैसे सिखाएंगे? आप इसकी जगह फ्रूट्स की जगह टॉयज भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ये, देयर आर टू मैंगो इन अ प्लेट, प्लेट में टू मैंगो है। देयर इज अ वन मैंगो इज अनदर प्लेट, अनदर प्लेट में एक और मैंगो है। तो नाउ ऑल मैंगोज आर पुट इन अनदर प्लेट। अब सारे मैंगोज हमने वन प्लेट में रख दिए हैं, तो हाउ मैनी मैंगोज? वन टू थ्री। सो टोटल मैंगोज हो गए हमारे थ्री। ये चीज आप बच्चों के क्रियॉन के साथ भी कर सकते हैं या कलर्स कुछ भी टॉयज के साथ। टू मैंगो टू क्रियॉन्स प्लस वन, तो टोटल कितने हो गए हमारे थ्री। एडिशन करके कितना आया? थ्री। इसी तरीके से हमें बच्चों को एडिशन करना सिखाना है। उसके बाद हम इनको सिखाएंगे इजकल टू करना। इजकल टू करना कैसे सिखाते हैं हम इसको? सपोज हमने टू इस तरह से दिखाया है, टू प्लस प्लस का आइकन हमें उन्हें सिखाना है कि प्लस, दिस इज एडिशन। उन्हें ये हमें समझाना है, दिस इज एडिशन। टू प्लस टू इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, फोर यानी कि वन टू थ्री फोर टोटल हो गए फोर। दिस इज द फर्स्ट मेथड। प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आपसे बोला था, वर्कशीट है इस तरह से। कोई भी आप फ्रूट्स फ्लावर्स कुछ भी इमेज बनाइए और बच्चों को इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कराइए। यहाँ पर सबसे पहले वो कॉलम में लिखेंगे दिस इज ए वन 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 वन, तो वन एंड वन टोटल इज इक्वल टू टू। वन एडिशन प्लस प्लस वन इज इक्वल टू टू। ऐसे वन प्लस टू वन टू टू, वन प्लस टू इज इक्वल टू वन टू थ्री। एडिशन करने के मैंने मेथड्स कई सारे सिखाए हुए हैं, पहले भी एक वीडियो चैनल पे आ चुकी है आपने किस तरीके से बच्चों को एडिशन करना सिखाया है। वन प्लस टू, दिस इज कॉलम मेथड। ये अभी हम सिखा रहे हैं पिक्चर मेथड। तो पिक्चर मेथड में देखिए आगे फिर कैसे हमें करना है। इसी तरीके से हम बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं, फिल इन द बॉक्सेस टू मेक करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है, टू कोई भी आप सर्कल्स ही बना दीजिए, नो प्रॉब्लम। टू सर्कल्स, टू प्लस टू आर टोटल कितने हो गए फोर, यानी कि टू एंड टू इज इक्वल टू फोर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, हमें उन्हें सिखाना है एक ड्रॉ सर्कल एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स। तो इसे हमें कैसे सिखाना है? इसको हमें सिखाना है इस तरीके से। हमने क्या किया है, सर्कल्स बना लिए छोटे छोटे, हमने एट सर्कल्स बना लिए प्लस वन, इट मीन्स एट सर्कल प्लस वन टोटल हुए नाइन। कितने हो गए? नाइन, राइट। उसके बाद हमने नेक्स्ट वन हमने लिखा सिक्स, सर्कल्स बना लिए प्लस के आगे हमने कुछ भी डिजिट नहीं लिखी है और टोटल हमने लिख दिया है नाइन, सम करके हमने लिख दिया है। तो बच्चे क्या करेंगे, उसके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स लिख लिया प्लस उन्हें कितने और चाहिए नाइन करने के लिए, सिक्स के बाद वो सर्कल खुद बनाएंगे सेवन एट नाइन, तो टोटल कितना हो जाएगा नाइन। ऐसे उन्हें ये करना है, टोटल हमारा है फाइव, थ्री सर्कल्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो कितने से प्लस करना हमें, थ्री फोर फाइव, टोटल कितना हो गया फाइव। तो यहां पर वो कितने लिखेंगे, टू, थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। ये हमारा एड द फॉलोइंग नंबर। ये हमें बच्चों को क्या करना सिखाना है, एड करना सिखाना है। ये हमने अलग अलग मेथड से, लेकिन अब आ गई है डिजिट्स, नंबर वो सिखाना है उन्हें। तो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, इजी, उन्हें जीरो की सेंस भी होनी चाहिए। वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, टू प्लस जीरो इज इक्वल टू टू, राइट। उसके बाद हम सिखाएंगे उन्हें ये नंबर्स वाले, वन प्लस टू इज इक्वल टू वन, वन इन द माइंड एंड टू ऑन द फिंगर, वन टू थ्री, राइट। इट मीन्स इसका आंसर आएगा थ्री। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप या पोज करके आप नोट डाउन कीजिए, इससे बच्चों की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराइए। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा कॉलम मैथड। कॉलम मेथड में हमें कैसे सिखाना होता है बच्चों को, ये देखिए मैं एक बार आपको समझा सकती हूँ। कॉलम मेथड, टू प्लस थ्री कॉलम मेथड हमने लिया है, तो बच्चों को सर्कल्स बनाना है या वन बनाना है, वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, टोटल इज फाइव। फर्स्ट मेथड दिस वन। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, इसी डिजिट्स को ले लेते हैं हम, टू प्लस थ्री कॉलम मेथड में, टू इन द माइंड एंड फाइव इन द फिगर, टू इन द माइंड फाइव इन द फिगर, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो टोटल कितने हो गए सेवन। अगर आप ये फिंगर मेथड को यूज करेंगे तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। इसकी वर्कशीट्स मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारी आप वर्कशीट्स को नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे कॉलम्स जो बच्चों के इजी है, इजी मेथड है, बच्चों को करने में आसानी रहेगी। वन मोर वर्कशीट आई हैव दिस वन, इसको भी आप पोज कीजिए और आप नोट डाउन कर सकते हैं।
अब हम सीखेंगे सब्सट्रैक्शन मेथड बच्चों को कैसे हमें सिखाना है। सेम वही मेथड है, सिर्फ उसमें हमें माइनस करना उन्हें सिखाना है। देयर आर थ्री एप्पल इन ए प्लेट, वन एप्पल फॉल डाउन, एज ए स्टोरी भी आप सिखा सकते हैं। हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट, तो कितने एप्पल बचेंगे, वन एंड टू। इसी तरीके से आप उनको चेयर के थ्रू या बेल के थ्रू या उनके क्रियॉन्स के थ्रू, जिस तरीके से मैंने बताया, इनफैक्ट उनके टॉयज के थ्रू, ब्लॉकिंग्स जैसे ब्लॉक टॉयज होते हैं उनके थ्रू भी आप उन्हें समझा सकते हैं। थ्री चेयर्स, वन चेयर इज ब्रोकन, तो टू चेयर आर लेफ्ट, कितनी चेयर बची है, टू चेयर आर लेफ्ट। बेल, सिक्स बेल्स आर हैंगिंग, टू बेल्स फेल डाउन, आप उन पिक्चर भी दिखा सकते हैं, टू फेल्स एंड डाउन। फोर बेल्स लेफ्ट हैंगिंग, तो कितनी बेल्स बची है, फोर। इंपॉर्टेंट चीज, सब्सट्रैक्शन का निशान उनको समझाना, दिस इज ए सब्सट्रैक्शन का निशान। नेक्स्ट हमें सिखाना है उनको टॉयज की तरह, सेम वैसे ही जैसे हमने बच्चों को एडिशन सिखाया, ऐसे हम सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे। थ्री टॉयज माइनस किया, वन टॉयज ब्रोकन, वन टॉयज ब्रोक हो गया तो कितने टॉयज बचे, टू टॉयज आर लेफ्ट, राइट। इसी तरीके से आप ये सारे बच्चों को प्रैक्टिस में कराइए। आप कोई भी इसमें फ्रूट्स या टॉयज बनाने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी शेप बनाइए, सर्कल, ट्रायंगल, ओवल, कोई भी शेप बनाइए जिससे बच्चों को शेप की भी प्रैक्टिस हो जाए। अब आ गया हमारा कॉलम मेथड। कॉलम मेथड हमें कैसे सिखाना है, जैसे हमने प्लस में किया है ऐसे ही हमें माइनस में करना है, सब्सट्रैक्शन में। टू माइनस वन, एक चीज मैं इसमें आपको ऐड करना चाहूंगी, बच्चों को जब भी आप सब्सट्रैक्शन सिखाएं तो आप बच्चों को एक चीज समझा दीजिएगा, हमेशा जो ऊपर की डिजिट होगी वो नीचे वाले डिजिट से बड़ी होगी। जब भी आप सब्सट्रैक्शन सिखाएं, नीचे वाले डिजिट ऊपर वाले डिजिट, नीचे वाले डिजिट से बड़ी होगी, सब्सट्रैक्शन तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो आप उन्हें सिखाइए टू माइनस वन, इट मीन्स वन टू, एंड नीचे वन, वन से वन माइनस हुआ तो कितना बचा, वन बचा है हमारा। सेम इस तरह से फिंगर पे सिखा सकते हैं, वन एंड टू, वन माइनस हुआ तो कितने बचे, वन, राइट। सो कॉलम सेक्शन, कॉलम सब्सट्रैक्शन हम इस तरीके सिखाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप ये सब सब्सट्रैक्शन अपने आप नोट डाउन कर सकते हैं, दीज एंड दीज ऑल सब्सट्रैक्शन। अब नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग बच्चों के दिमाग में ना हमेशा रह जाता है, तो स्टोरीज है बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एक्टिविटी कराए ना तो स्टोरी ज़रूर उसमें इन्वॉल्व कर देना, स्टोरी मेथड बहुत अच्छा होता है। ये है हमारा स्टोरी मेथड। फोर बॉयज आर प्लेइंग, टू मोर बॉयज जॉइन देम, हाउ मैनी बॉयज आर प्लेइंग नाउ, तो फोर बॉयज प्ले कर रहे हैं, टू ने और आके हमें ज्वाइन कर लिया है, तो टोटल हमारे कितने बॉयज हो गए हैं, वी राइट एज फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। एडिशन में आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अभी हमारे पास वन मोर है, रिमी हैज थ्री डॉल्स, हर बॉयज हैव टू बॉल्स, उसके ब्रदर के पास कितनी बॉल्स हैं, टू। नाउ रिमी हैज हाउ मेनी बॉल्स, फाइव बॉल्स। सारी स्टोरी टेलिंग आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेम मेथड हम सब्सट्रैक्शन में भी यूज करेंगे। जॉन हैज फाइव मैंगोज, ही गिव्स टू मैंगो टू हिज सिस्टर, हाउ मेनी मैंगोज हैज जॉन नाउ। जॉन हैज फाइव मैंगोज, ही गिव्स टू मैंगोज टू हर सिस्टर, और कितने मैंगोज उसके पास बचे हैं, अब फाइव माइनस टू, इट मीन्स थ्री मैंगोज बचे हैं। सेम स्टोरी टेलिंग मेथड आप इसमें भी बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखा सकते हैं। कुछ मेथड्स मैंने आपको